शर्मा के बगैर तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आईपीएल की या कोई बी टीम खेल रही है, लेकिन उसके बाद इनके प्लेयर्स का इतनी अच्छी बैटिंग और इतनी अच्छी बॉलिंग, कमाल कर दिया आज ही भारत की टीम ने। हमारे यहाँ प्लेयर ही नहीं बन रहे तो कप्तान क्या बनेगा, इनको क्या राहुल से सीखना चाहिए। मैं तो इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज इंडिया देखे ऑस्ट्रेलिया से जीत के इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा, और भाई इंडिया नंबर वन पे आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप इंडिया को सपोर्ट करो, बिल्कुल इतनी डी साइड पाकिस्तान में रहकर इंडिया को सपोर्ट। यार बस इंडिया में जो प्लेयर्स हैं लेजेंड हैं। तो मैं उस्मान और मेरे साथ बाबर हयात। ओ माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम यंग इंडिया, बी इंडिया। इंडिया के बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की फूल चढ़ा दी यार। इंडिया के बच्चे, मुझे तो कहते हुए इस बात पे हंसी आ रही है। यंग इंडिया, शुभमन गिल, मतलब वो शुभमन गिल, चलो शुभमन गिल का तो हमें पता है, उसके गिल का रातोंरात गायकोड, पहली 50, 10 चौके, व्हाट अ इनिंग यार। जो बंदा एमएस धोनी के हाथों से निकला वो इंटरनेशनल स्टेज पे अगेंस्ट कमिंस और फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल ऑस्ट्रेलिया के आगे, जेंपा के एक्सपीरियंस के आगे कमाल की इनिंग खेली। फिर उसके बाद शुभमन गिल क्या बारी खेली, 117 के स्ट्राइक रेट से अमेजिंग न्यू नंबर वन अनाउंस कर दिया है। और नॉट लाइक बाबर आजम नेपाल के अगेंस्ट, इधर उधर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस, और इंडिया के बच्चों ने ही मैच ले दिया था 142 रन की ओपनिंग साझेदारी की, वहीं से ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट गई। उसके बाद तो शुगल शकल था बाबर भाई, इंडिया भी नंबर वन हो गया, शुभमन गिल भी नंबर वन हो गया, हमारों का हुरूर हाक में मिल गया, और इंडिया के जंग लड़कों ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। क्रिकेट खेलिए, लॉट्स ऑफ डाउट इन पाकिस्तान, सो मच डाउट, जंग इंडिया क्या ये वो, बैक फायर ना करता है, बट बच्चों ने दिखाया क्रिकेट जे होती है वार भाई, अगेंस्ट एक्सपीरियंस। जी 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 जी, क्या कमाल का, क्या कमाल का आज खेल देखने को मिला है। ओवरऑल अ वंडरफुल टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, और यंग टीम इंडिया विदाउट एनी डाउट आज बड़े पुरखों के बगैर खेल रही थी टीम इंडिया, और जिस तरह से आज नौजवानों ने परफॉर्म किया, और खास तौर पे जो ओपनर्स ने बारी खेली आज, दोनों ओपनर्स ने एक से बढ़कर एक, शुभमन गिल को तो दुनिया जानती है और वो नया नंबर वन है समझ लीजिए दुनिया का, क्योंकि बाबर आजम को जो बंदा झटका दे रहा है उसका नाम शुभमन गिल है, और शुभमन गिल ने आज जो क्लासी शॉट्स खेली हैं, सर मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ के लिए, जो उसने कमाल की शॉट्स खेली हैं, द वे ही बैट, द वे ही टाइम, द वे ही प्लेस्ड, द वे ही यूजेस हिज फीट, जिस तरह से उसने आज बल्लेबाजी की है, दिल जीते हैं। आज मैं उसका 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 100 वो नहीं कर पाया, लेकिन जितनी भी उसने आज बारी खेली है, बहुत जबरदस्त सर, अमेजिंग टैलेंट है। और आज वो पंजाब में खेल रहा था, तो पंजाब का पुत्र है, तो पंजाब की धरती का मान रखा है आज उसने जी, और बहुत कमाल की बारी आज उसने खेली है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसके बाद स्टार्ट की परफॉर्मेंस दे रही है, शामी को देखें 5 विकेटें अगला ले गया है, बांग्लादेश वाले मैच में भी उसने परफॉर्म किया था, जब उसको दिखलाया था तो उसने तब भी विकेट्स लिए थे। कोहली, रोहित, पांड्या, सिराज, कुलदीप और अक्षर पटेल को आप ना शामिल करें, 5 बंदे, कोहली, रोहित, पांड्या, कुलदीप, सिराज, ये 5 बंदे इंडिया की आप समझ सकते हैं कि एक ग्रिप है। अगर इंडिया इन 5 बंदों के बगैर ना खेले तो उनकी टीम टीम नहीं लगती, एक हल्की टीम लगती होती है। वो इंडिया इन 5 खिलाड़ियों के बगैर मुकाबला करके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत रही है वर्ल्ड कप से पहले। अब मुझे आप ये बताएं कि आपका फखर, आपका बाबर, आपका शाहीन, आपका शदाब, ये 5 को अगर आप अपनी टीम से निकाले तो क्या पाकिस्तान ऐसे जीत सकती है? पाकिस्तान तो बड़ी बुरी पिटेगी। लो आप अभी की बात कर रहे हैं, आप लगता है 3-4 महीने पहले भूल गए हैं, जो हमारी अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई है, हमने अपनी एक तरह से बी टीम खिलाई थी, हमने मेन प्लेयर्स को रिप्लेस किया था, तो कितने बुरे तरीके से हम पिटे थे, आप भूल गए ये चीज। मेरा का शदाब वाइस कैप्टन था और तब कैप्टन बना हुआ था, तो हमारे पास वो रिप्लेसमेंट्स नहीं है। वही तो मैं दिया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट हार्दिक पांड्या, विदाउट कुलदीप यादव, मतलब वो सारे बंदे जो के मेन प्लेइंग 11 में होते हैं, उनके बावजूद ना होने के बावजूद इंडिया ने ऐसे ठोके ऑस्ट्रेलिया को। ये वही ऑस्ट्रेलिया ना जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आगे हराती है, ये वही ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आगे हराती है, ये वही ऑस्ट्रेलिया ना जो मेरे घंटे बाबर आजम को हराती है, ये वही ऑस्ट्रेलिया ना, ये वही ऑस्ट्रेलिया ना जिसने सेमीफाइनल में शाहीन अफरीदी को 3 छक्के मारे थे। और भाई इस ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ टीम को इंडिया की बी टीम ने एल लगा दिए हैं, इंडिया की बी टीम ने इनका जनाजा पढ़ दिया, इंडिया की बी टीम ने इनके एल लगा दिया, बता दिया इनको कि हर कोई बाबर आजम नहीं होता जिसको आप जाकर चले जाते हो। ऑस्ट्रेलिया को बता दिया केएल राहुल ने, ऑस्ट्रेलिया को बता दिया सूर्या कुमार यादव ने, टिपिकल सूर्या कुमार यादव, उसने बता दिया भाईजान के हर कोई बाबर आजम नहीं होता कि आप उसको बुझाकर चले जाओ, इधर इंडिया है, इधर हम आपको बुझाएंगे, आप बाबर आजम को बुझा सकते हो, आप बाबर का घंटा बजाओ हम आपका घंटा बजाएंगे, आप बाबर का घंटा बजाओ हम आपका घंटा बजाएंगे, क्योंकि हम अभी अभी ताजा ताजा बाबर आजम का घंटा बजा के आए, हम अभी हम आपका घंटा बजाएंगे।
इंडिया ने, और इंडिया की ये वो टीम है जो भी मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि इसमें सीनियर शामिल नहीं है, ना इसमें विराट कोहली शामिल है, ना ही इसके अंदर रोहित शर्मा शामिल है, ना ही इसके अंदर जो हार्दिक पांड्या शामिल है, लेकिन इंडिया ने अपने ग्राउंड्स के अंदर इनके जो नॉर्मल सी टीम है उसने भी जो आज ऑस्ट्रेलिया को रगड़ के रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हरा कर इंडिया ने जबरदस्त किस्म की फतह हासिल की और इंतहाई कॉन्फिडेंस जो इंडिया ने हासिल कर लिया है। उनकी अगर बात करें ओपनर्स की तो आज शुभमन गिल जो है वो छा गए हैं, क्या शुभमन गिल ने आज शॉट्स मारे हैं, क्या शुभमन गिल ने जो आज बाउंड्रीज ली है, मजा आ गया था सब। नहीं आज टीम इंडिया ने बहुत ही कमाल किस्म की आप कह लें, चलो जी खत्म हो गया गेम, खत्म हो गया भाई। और पहले क्या शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग खेली, आज हर्षा बुगले को मैं सुन रहा था वो कहते हैं क्या ये फ्लॉलेस बैट्समैन है, दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग किया लाजवाब और कमाल सुपर धमाल बैटिंग किया ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो स्क्वाड में तो है लेकिन अपनी 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने भी अपनी 11 में जगह आप कह लें कि आज काफी हद तक मुस्तकम करने की कोशिश की है। फिर अगर आप आगे बात करें अली साहब, ये माइटी ऑस्ट्रेलिया थी, ये स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया थी, इसके अंदर स्टीवन स्मिथ थे, इसके अंदर लघु शैन थे, इसके अंदर कैमरन ग्रीन थे, इसके अंदर डेविड वार्नर थे, इसके अंदर मिचेल मार्श थे, इसके अंदर पैट कमिंग्स थे, जबकि इंडिया की तरफ अगर आप देखो कम से कम 5 ऐसे प्लेयर थे जो टीम इंडिया के अंदर शामिल नहीं थे, जिनमें अगर आप देखो ना विराट, ना रोहित, ना एशिया कप फाइनल का हीरो सिराज, ना कुलदीप यादव जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका के मैच का हीरो था, कुलदीप यादव वो भी नहीं था। अगर आप देखें तो ये 5 खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर उनको आप कैसे भूल सकते हो, वो भी नहीं थे। तो भाई जान उनके बगैर कहानी ये बनी है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ओडीआई में रगड़ दिया, शिकस्त दे दिया, और इसके साथ ही साथ इंडिया ने जैसे जीत हासिल की है तो उसके साथ ही साथ आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में भारत ने हमसे यानी कि पाकिस्तान से अली साहब नंबर 1 पोजीशन भी छीन लिया। हम लोग वर्ल्ड कप में नंबर 1 पोजीशन बनकर जाना चाहते थे, ठीक है व्हाटएवर आप जो भी कहेंगे कि टीम खराब है, खेल नहीं खेल रहे, जो भी चीजें खराब, लेकिन हकीकत तो यह है ना कि अगर आप नंबर 1 बनकर उतरते तो आपको मजा आता, कहीं ना कहीं एक आपको कॉन्फिडेंस होता, बेशक आपके साथ कॉन्ट्रोवर्सी लगी हुई है, आपके साथ जो स्क्वाड पे आवाम नाराज है, आवाम गुस्से में है, मीडिया आपको बुरा वाला बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप नंबर 1 होते हैं। ओडीआई के नंबर 1 जो बैट्समैन है कितना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है क्रिकेट में बात करने के बजाय, आज वो कह रहे थे कि टायर के ऊपर बात होगी, जिसने भी मुझसे बात करनी है टायर के ऊपर बात करें, क्या ब्रांड का नाम था जी वो पैंथर, तो हम टायर पे, वो कह रहे थे जो भी उनसे सवाल पूछ रहा था कि कुछ बताएं कि टीम कैसी सिलेक्ट हुई, कह रहे पैंथर टायर के बारे में कुछ बात, इसके बारे में बात नहीं, यार ये क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी, तो ये पैंथर की क्या, आप बोलते हैं कि आपके 70 में पंचर हो गया है, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, हमारे 70 में जो है ना वो टायर जो है वो कील घुस जाता है, तो बाबर साहब बताएं हम क्या हाल बताएं, लिटरली उनको बाबर के सवाल पूछने के बारे में बात करो, क्रिकेट के बारे में कोई बात ना करें, तो भाई हम पैंथर के बारे में क्या बात करें, पैंथर के बारे में यही बात करें कि बाबर साहब हमारे टायर में कील घुस जाती है, आपको हाल बताएं, खैर वो बाद में बात करेंगे जी, लेकिन आज भी उसका आसान इंग्लिश ने छोड़ दिया, लेकिन 142 रन की पार्टनरशिप, 180-82 तक जाते जाते 4 विकेट गिरे, रन आउट हो गए। अय्यर साहब, अय्यर साहब को समझना चाहिए भाईजान, नथिंग्स कम फ्रॉम ग्रांटेड, यू हैव टू बैट। देखो बॉलिंग की बात हो गई, हमने पहली इनिंग में सारी बातें कर ली, अब बार बार ठाकुर वीक लिंक है, फलाना ऊपर लिंक है, या दरमियान ये डाउन लिंक है, ये बकवास, पहले पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात अगर करनी है तो पॉजिटिव ये है, हेजलवुड टैक्टिकल मूव थी ना खेलना, एबर्ट आया छक्का चौका मार के राहुल ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी, आखिरी है जो भी जीते, जहां तक बात है कमिंस वाज आल्सो क्लूलेस, गिल एंड गायकवाड़ स्पेशली गिल, देखो मेरी बात फिर सच होती जा रही है, जी जी। जितना वो T20 से दूर हो रहा है, लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहा है, 50 और टेस्ट, आप देखे उसका कॉन्फिडेंस कहां है, ईमानदारी से बताएं, क्लास में तो मैंने कभी भी डाउट नहीं किया, सही बात, मैं हमेशा आपसे कहता रहा खुदा के लिए इसको T20 कम खिलाए, मैंने ये भी नहीं कहा ना खिलाए, मैं कहा कम खिलाए, आज वो झोली भर भर के, और आप मेरी बात सुने, आप जो धवन को लाना चाहते हैं ये वाली बैटिंग कर सकता है धवन, भाईजान आप बोलते हैं, मैं मुझे लगता है मैंने कहा है ये नहीं, धवन जो है आप सारे बताएं, धवन गिल जैसी बैटिंग कर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, आज ऑस्ट्रेलिया टमाटर हो गया, आज ऑस्ट्रेलिया के मुंह लाल हो गए कि ये हो क्या रहा है, रिजवान साहब ये तो गंदी शॉटें खेल के, अब भाई गिल साहब आप 70s में खेल रहे हैं, गायकवाड़ साहब आप 70 में खेल रहे हैं, हाँ जी रू भी नहीं है, आप क्या जाके कट मार रहे हैं, हो गया LB हो गया, अय्यर साहब हाथ में रन आउट हो गया, वो ईशन किशन जल्दबाजी स्काई, अभी आपने खुद कह दिया इतना अच्छा आज एक भी स्वीप नहीं खेला, एक भी गंदा, ये है टीम इंडिया, आप इस टीम को काउंट आउट कर रहे थे इंडियंस, और बॉलिंग आप खुद नहीं खिला रहे, भाईजान जहां पे खेलेगा शामी सिराज बुमराह, जहां पे जडेजा और साथ में कुलदीप और साथ में हार्दिक पांड्या टचवुड इस वक्त 145 से 148 पे जा रहा है, इतनी बेबस ऑस्ट्रेलिया की टीम हमने नहीं देखी है, आप देखेंगे, आपने अगर ऑस्ट्रेलिया को बेबस देखना है ना कभी, आप ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की टीम के सामने डाल दें, ऑस्ट्रेलिया आपको बेबस नजर आएगी, चाहे वो पैट कमिंस हो भाई, चाहे एडम जंपा हो, चाहे एबर्ट हो, जो मर्जी हो, सारे बॉलर्स की आज वो धुलाई हुई है ना इंडिया के बैटर से,
कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया की ऐसे पिटाई होती है ना भाई, तो देख के जो दिल खुश हो जाता है। आज 276 स्कोर पे इंडिया ने जो है वो ऑल आउट किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, शायद इंडिया ना ये स्कोर चेस कर पाए। लेकिन शुभमन गिल आज बैट नहीं थोड़ा लेके आए हुए थे, और शुभमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड, इन दोनों ने वो धुलाई किया ना भाई, आते साथ अटैक किया शुभमन गिल ने, और उसके बाद जो है वो 142 स्कोर की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जो है 25 ओवर में ही ऐसा लगा कि जीत गया था। जब शुभमन गिल ऋतुराज गायकवाड आउट हुए ना, ऐसा लगा कि ये मैच को फिनिश करके आउट हुए हैं, क्योंकि इस लेवल की उन्होंने बैटिंग की। और शुभमन गिल यार ये बंदा क्या खा के आता है, मुझे ये कोई बता दे कि ये खा के क्या आता है भाई, इसको कहां पर ट्रेनिंग मिली है, क्या करता है ये, कि कोई मैच ऐसा नहीं है भाई, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसकी ये धुलाई ना करे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जो टीम सामने आती है शुभमन गिल का एक स्टाइल है। दूसरी साइड कोई आउट हो रहा है भाई, कोई कुछ भी कर रहा है ना, शुभमन गिल ने कसम निकाली हुई है कि मैंने अपनी क्लास जो सबको दिखानी है। यार आपने जस्ट करवा दी है, मजा आ गया आपकी बैटिंग लाइनअप देख के। यही लग रहा था लाइक अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, देखें आप तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं तो आने, और गायकवाड और जो उसने चार चांद लगा दिया ना बैटिंग लाइनअप पे, मजा आ गया। ऑस्ट्रेलियन पता ही नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस देना कोई कॉमन बात नहीं है, उनके पास बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, उनके बगैर भी हमें महसूस नहीं हुआ कि ये उनके बगैर खेल रहे हैं। पाकिस्तान को भाई जान जरा सिमट जाओ और जरा ना तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। मैं उनका फेवरेट करूँगा इंशाल्लाह, वर्ल्ड कप में उनका फैन रहूँगा, उनके आज की जो बैटिंग उनका ऑलरेडी मैं उनको फेवरेट हो गया आज से मेरे। उनको इस तरह फाइनल की टीम है, मिचेल मार्श कह रहा था मैं फाइनल खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, इसने 10 रन भी नहीं बनाया ओपनर आके, ये कह रहा था मैं फाइनल खेलूंगा पाकिस्तान से, मुंह की खा रहा है ये, बॉलिंग भी नहीं कराने आया, ये इतना खौफजदा हो गया। इसने कमिंस को कहा भाई मेरी पिटाई मत लगवाना, गिल बहुत मार रहा है, गिल कैमरन ग्रीन की लगवा दो, वो साजिशें भी समझ रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम टूर्नामेंट के बीच में मुझे बाहर बिठा दो। बट शुभमन गिल ने जो आज क्लास दिखाई, और सूर्या ने सही कहा था कि मैं ODI का कोड जो है वो क्रैक कर दूंगा, तो क्रैक कर दिया उसने। और KL राहुल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आज वो कप्तान थे, उन्होंने अशोर किया, एक छोटा सा बीच में हडल आया, और अगर सीधा मुद्दे पे आए 141 रन के आगाज के बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी लड़ाई कर सकता था जो उसने की। अगर ये 41 रन का आगाज होता गायकवाड और गिल का तो ऑस्ट्रेलिया शायद मैच बना लेता, लेकिन 141 रन का आगाज था। और शुभमन गिल की खासियत यह है कि शुभमन गिल ने टीम के 78 रन कर दिए 74 वगैरह, जब अपने 26 करने हुए तो बेचारा आउट हो गया। वो पूछना चाह रहा है कि अपने रन कैसे करते हैं, अपने रन कैसे करते हैं, ये पूछना चाहता है, पूछना चाह रहा था वो। नहीं नहीं मैं अभी हम मैं और वासी बात कर रहे थे कि यार गिल ने टीम के रन तो मार दिए, अपने रन के लिए वो क्या करना, क्या करेगा, अपने रन कब मारेगा, हालांकि अपने रन तो बहुत ही करीब थे उसके, वो चाहता तो अपने रन मार सकता था, मगर अब बाबर आजम ही मशवरा देंगे, पहुंच रहे वर्ल्ड कप में अपना स्क्वाड लेकर, वहां पर वो बाबर आजम से मशवरा करेगा कि भैया ये बताओ कि टीम के रन तो मार देता हूँ मैं, अपने रन कैसे करूंगा, तो बाबर उसको मशवरा देंगे देख बेटा तूने ये करना पड़ेगा, ये पहले तो तुझे अपने करने पड़ेंगे। वो बाबर से पूछेगा ये अपने कैसे बनाते हैं, मैं तो टीम के 74 कर लेता हूँ, आप अपने पहले कैसे बनाते हैं। वो बाबर ये तो बताएगा कि सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दे कि तू जीतने की तरफ जा रहा है, तू ये सोचा यही करके मैं अपने रन करने के लिए, मतलब टुडे दैट वाज विंटेज गिल टू मी, विंटेज गिल आप उसको कहेंगे कि आज ना विराट कोहली थे ना रोहित शर्मा थे, देखें दूसरी टीम में जो भी आज यतीम टीम खेल रही थी इंडिया की, यतीम इस सेंस में कि भैया ना रोहित ना विराट ना ही आपका सिराज ना ही आपका पांड्या, यानी कि ये वो चार सुतून हैं जो इंडिया की क्रिकेट को लेके खड़े हैं, यानी जिनको जिनके बारे में ये कहा जाए कि अगर ये किसी टीम में किसी भी टीम में चले जाए तो वो टीम खड़ी हो जाए, तो आज इंडिया मोहाली में इन चारों सुतूनों के बगैर थी, यानी कि आप बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखें तो सबसे कमजोर टीम अगर आपको नजर आएगी तो वो इंडिया की मोहाली का पिच। आपको मैंने क्या कहा मिड ब्रेक का शो सुने, अगर कोई नया देख रहा है कि मोहाली में शुरू के 10-15 ओवर में तेज रन बना लो, बाद में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है मोहाली में, तो मोहाली में आपने तेज रन बना लिए, तेज रन बनाए शुरू में, फर्क आया, एकदम से 3 विकेटें गिरी, उसमें अय्यर का रन आउट था जो कि अजीब सी हरकत की, उसने आगे भाग गया, वो गिल को पहली मना कर देना चाहिए था, ये मैं आपको बता दूं कि एकदम से तेज विकेटें मिली आपको नहीं मिली भाई, यही मैं कह रहा हूं मोहाली में बीच में अगर इनके पास ये शॉट की जगह एक और स्पिनिंग अच्छा ऑप्शन होता, जैसे सांगा को भी खिला रहे होते, तो मैच थोड़ा फंस जाता, बट दैट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि एक